आधे बर्फ गाड़ रहा है यहाँ से नीचे से लो, नींबू जाएगा ना उसके अंदर तो दिखेगा उसके अंदर। अब मैं सीरम डाल रहा हूँ। ओके लाइम जूस कोल्ड है ना, इसको लाइम जूस को फर्मेंटेड करके हल्दी के साथ हल्का सा उसके बाद बनाया जाता है। ये शुगर सिरप है। अब इसको हम लोग देंगे हार्ड शेप ताकि वो क्रश पूरा डाइल्यूट हो जाए बर्फ के साथ और सारे कोई भी शेक मिनिमम 20 मिनट का होना चाहिए हार्ड शेप। ओके उससे वो चीज़ ना अच्छे से मिक्स हो जाती है, उसका अरोमा बाहर आने से रहता है। जी थोड़ा सा डाले, हल्का सा थोड़ा डाल के उसको डाइल्यूट करेंगे ताकि हमारा लेयर प्रॉपर बिल्ड हो पाए। ये हो गया हमारा एक स्टेप। ये है जिंजर एल, रोज और जिंजर को फर्मेंटेड करके बढ़ते और इसको सिंक मेथड बोलते हैं जिससे पूरा का पूरा सिरप डायरेक्टली नीचे जाता है। जी ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे सिट्रस फ्लेवर। ओके और इसको हम लोग बिल्ड मेथड से ऊपर फ्लोट करवाएंगे और जिसके लिए हमको थोड़ा इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बार स्पून। Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart.